हाय दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक शर्मा और मैं आपसे का स्वागत करता हूँ नंबर वन वुड्सवर्क अभिषेक में। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पीवीसी बोर्ड आप जानते होंगे उसी तरह का पीवीसी माइका आता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊँगा कि इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इनकी वेरीफिकेशंस हैं और क्या क्या इसमें जो है आपको दूसरे माइका से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस तरह ये जो पीवीसी बोर्ड होता है उसी तरह का एक ये माइका होता है, तो ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। जैसे कि पीवीसी बोर्ड जो होता है वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो ये जो माइका है वो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। और ये जो माइके की मोटाई होती है वो नॉर्मल माइका से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये माइका एक जो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो इसका ये फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा मोटा होता है और पीछे एक मतलब आप कह सकते हैं चिपकाने के लिए एक बर्फी टाइप का आप कह सकते हैं वो बना होता है, जिसके तरह से ये चिपकता है। और साथ ही साथ इस माइका का ये फ़ायदा है कि आप जब पर भी इसे लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है और काफ़ी मतलब एकदम नया फील आता है। और इसकी लाइफ भी नॉर्मल माइका से ज़्यादा है। और ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो इस पर पानी भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप इसको काफ़ी ज़्यादा जैसे कि 90 डिग्री तक आप इसको राउंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं राउंड वाले माइका देखे होंगे, जैसे कि किसी न किसी पल्ले पे जो साइड होते हैं वो राउंड होते हैं। तो आप इसी के थ्रू 90 डिग्री इसको राउंड कर सकती हैं। इस माइका का यही खासियत होता है, जो नॉर्मल माइका था उसको आप राउंड करते हैं तो वो चटक जाता है, पर इस माइका को अगर आप राउंड करते हैं तो ये चटकता नहीं है। ये चीज़ इसकी अच्छी है और मतलब नॉर्मल का यही इसको अलग बनाता है। और इस माइका की एक और फैसिलिटी है कि जब आप इसको अपने ही जैसे कि आप अपने ही औजार से इसको मतलब सारा काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ले चलते हूँ पानी में। तो देखिए, पानी में इसका कोई भी जो भी पार्ट होता है वो ख़राब नहीं होता है, फुल्ली वाटर प्रूफ होता है। और इस पर कोई भी मतलब पानी का कोई अगर जैसे कि पानी इसके ऊपर गिरता भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लोग किचन के बॉर्डर पे पीवीसी बोर्ड लगाते हैं तो उसके ऊपर इसको जब चिपका देते हैं तो एक हिसाब से जो उसकी लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। ऊपर से कोई भी अगर इसे किचन में अगर आपने लगाया तो पानी ज़रूर गिरता होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली किचन की, जिससे कि किचन की लाइफ भी बढ़ जाती है। और ये माइका सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। यहाँ पे माइका के बारे में कुछ बताया गया है, जो कि इसमें लिखा गया है कि लंबाई और चौड़ाई 1.1 प्लस से कम इंच से ज़्यादा हो सकती है। और सीट की मोटाई इन्होंने बताई है 10 mm बताई, 0.10 mm कम से कम कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये बताया गया है। और सीट पूरी आखिरी उपयोग होने के सभी हानिकारक रासायनिक सीट से मतलब इन्होंने कहा है कि जो थिनर से आप इसको साफ़ मत करिए, तापीन तेल से अगर आपको साफ़ करना है तो साफ़ कर सकते हैं। साथ में इसमें कुछ जो नीचे दिए गए हैं कि आप रंधे से इसको साफ़ कर सकते हैं, ये इको फ्रेंडली है, मतलब जो अपना वातावरण होता है उससे। और इसमें कलर भी है और यहाँ पे देखिए वाटरप्रूफ भी इसमें बताया गया है। और एक बात और, ये टर्मिनेटर भी फ्री है, ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि प्लास्टिक में कभी टर्मिनेटर नहीं लगता। और फायर का तो मुझे नहीं लगता, बाकी लॉन्ग टाइम मतलब लंबे टाइम तक तो ये चलेगी, ये तो आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल माइक है उससे ज़्यादा ये चलेगी। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया कि 90 डिग्री पे इसे आप फोल्ड कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री तक आप इसको मोड़ सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप सारे के सारे अपने औजार जैसे होते हो उसी पे आपको कोई एक्स्ट्रा औजार नहीं खरीदना इस माइक को लगाने के लिए। ये बात मुझे और भी ज़्यादा इस माइक की अच्छी लगी है। और यहाँ पे देखिए, ये जो माइका रहती है, जैसे कि देखिए मैंने कितना पतला कब्जे के किनारे छोड़ा है, फिर भी इसको दबाने पे ये मोटी माइका होती है, तो कब्जे के टूटने का जो रहता है वो इसमें नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि आप अपने ही रंधे से इसको मतलब वो कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी एक लेयर निकलती है रेड या जो भी, पर इसका एक चीज़ है जैसे हम नॉर्मल ब्लेड से जब इसको रंदा मारते हैं तो ये थोड़ी सी माइका हार्ड है, इसलिए जिस जगह से आप रंदा मारते हैं उस जगह पे गड्ढा बन जाता है, बाकी एकदम नॉर्मल माइके की तरह रहती है, कोई भी इसमें अलग वो नहीं है जैसे नॉर्मल माइका होती है। काम सारा आपको वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड और वैसा नहीं काम करना है जैसे कि आप नॉर्मल माइके पे करते हैं, बिल्कुल ही वैसा है।
और इसके बस यही सब फ़ायदे हैं कि जैसे कि कोई पैर रख देता है माइका के कोने पे तो उससे ये सब टूटने वाला नहीं है, ये सब है। बाकी इस पे थोड़ा स्क्रैच का आपको ध्यान देना होगा क्योंकि स्क्रैच थोड़े से जल्दी पड़ जाते हैं, पर उसके लिए भी इन्होंने ऊपर की तरफ पन्नी चढ़ाई होती है जिससे कि इसको कोई भी ख़राबी ना आए। और मैं एक बात और बता दूँ, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं जल्दी ही इस किचन की वीडियो भी डालूंगा पीवीसी माइके वाली, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखने के लिए तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं बताता हूँ आगे कुछ और इनकी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, इस माइके को आप कटर से काट सकते हैं। अब देखिए कटर से काटना क्यों, ये देखिए जब आप माइके को सरमाइका कटर से काटते हैं तो उसको कम से कम 3-4 बार आप करेंगे तब वो कटेगा, पर अगर आप नॉर्मली कटर मशीन से काटेंगे तो ये एकदम साफ निकलता है। दरअसल मतलब जैसे जो अदर माइका होता है जब उसकी धार आप मिलाते हैं तो रंदा मारते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा बवाला नहीं है, ये एकदम मतलब एकदम साफ निकालता है। जब आप कटर से काटेंगे तो कोई भी दाना नहीं छोड़ता है। जैसे अदर माइका अगर आप कटर से काटते हैं चाहे वाइट हो चाहे कोई भी कलर का हो तो वो दाना ज़रूर छोड़ेगा, पर इसकी यही फैसिलिटी सबसे बढ़िया है कि आपको दाना नहीं दे सकता, इतना बढ़िया ये वो रहता है। और इसमें बताया भी गया है कि ये चीज़ जो है मतलब ये जो माइका है इसको आप कटर से काटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर प्रॉब्लम ये आती है कि पल्ले में तो हम लोग कटर से नहीं काट सकते, फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं जो कि ये किचन की रौनक को बढ़ा देता है और किचन की लाइफ को भी बढ़ा देता है। और कटर से काटने से ये भी है कि अगर जब आप जोड़ मिलाते हैं तो आपको कुछ भी रंदा उंदा ज़्यादा नहीं मारना पड़ता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप माइका के मतलब जोड़ को मिलाते हैं तो माइका का कालापन दिखाई देता है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और एक बात हो तो ये देखिए फेविकोल प्रो बाउंड ही आपको इससे चिपकाना, मतलब फेविकोल प्रो बाउंड से ही इसको चिपकाना है। इस पर लिखा भी हुआ है कि ये स्पेशली मतलब जो है केवल पीवीसी सीट्स के लिए ही बनाया गया है ये जो प्रोबाउंड है। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा गया है कि स्पेशली फॉर पीवीसी, मतलब पीवीसी जो सरमाइका आती है उसी के लिए बनाया गया है। तो बस दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा।